गाइस स्वागत है आप सब लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज मैं आया हूँ वृंदावन। मैंने लास्ट वीक एक वीडियो अपलोड किया था कि श्री प्रेमानंद महाराज जी ने रात्रि दर्शन बंद कर दिए हैं। उस वीडियो के बाद में बहुत सारे भक्तों के कमेंट आए कि श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन अब कैसे हो सकते हैं, महाराज जी दर्शन कब से देना शुरू करेंगे, महाराज जी सत्संग कैसे और कब से कहना शुरू करेंगे। तो यदि आपके भी ऐसे ही सवाल हैं और आप महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं या उनके सत्संग में सम्मिलित होना चाहते हैं, महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप करना चाहते हैं, तो खुशखबरी है आप सभी भक्तों के लिए, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि यदि आप महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको वृंदावन में किस टाइम में आना है, यदि आप महाराज जी का सत्संग सुनना चाहते हैं तो टोकन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप करना चाहते हैं तो उसका टोकन कैसे ले सकते हैं, नए सभी नियमों के बारे में मैं आप सभी लोगों को बारी बारी बताऊंगा। और साथ ही साथ प्रेमानंद महाराज जी के जो पद यात्रा में दर्शन हुआ करते थे, आज वो दर्शन भी आपको कराऊंगा, लेकिन अब पद यात्रा में नहीं, गाड़ी यात्रा से महाराज जी दर्शन सभी भक्तों को देते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। लेकिन हाँ, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सभी सवालों के जवाब मैं एक साथ देने की कोशिश। गाइस सुबह के 8 बजे का वक्त हो चुका है और मैं आ गया हूँ प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम के गेट के ठीक सामने, और महाराज जी के आने का वक्त हो चुका है, अभी वो दर्शन देने वाले हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत साफ स्वच्छ करीब से दर्शन कराऊं महाराज जी के, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। महाराज जी के दर्शन करने के लिए भक्त लाइनों में खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं बाकायदा कतार में लोग खड़े हुए हैं। और लोगों को बहुत दिनों से महाराज जी के दर्शन करने की आस थी, उम्मीद थी, लेकिन वो पल वो घड़ी आ चुकी है कि महाराज जी ने वापस दर्शन देना शुरू कर दिया है। भाग्यशाली हैं वो लोग जो महाराज जी के दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे भक्तों को महाराज जी के दर्शन करने की आस है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को महाराज जी के दर्शन करने का समय भी बताऊँगा। अभी भी दिन में एक बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ हो जाती है, आप देख सकते हैं निरंतर लोग बढ़ते जा रहे हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। महाराज जी के जो शिष्यगढ़ हैं वो निरंतर सेवा में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं भक्तों को साइड में खड़ा कर रहे हैं ताकि सड़क में कोई किसी प्रकार की बाधा ना बने। ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि महाराज जी जो हैं वो दर्शन नहीं देते हैं, दर्शन का सिलसिला बंद चल रहा है, लेकिन महाराज जी के दर्शन निरंतर चालू हैं और भक्त निरंतर बढ़ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। महाराज जी के दर्शन पब्लिकली इसलिए अलाउ नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जुलाई के पहले सप्ताह में हाथरस में बहुत बड़ा हादसा हो गया था। उस हादसे के बाद में महाराज जी के जो दर्शन हैं रात्रि दर्शन वो बंद कर दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में भक्त आ जाते हैं। तो यदि आप भी दर्शन करना चाहते हैं महाराज जी के और आपके पास में टोकन की व्यवस्था नहीं है, तो पब्लिक ही दर्शन करने के लिए आपको सुबह इन्हीं भक्तों की तरह यहाँ पर 8:30 बजे लाइनों में खड़े हो जाइए। महाराज जी अपनी गाड़ी से निकलते हैं, आप सभी लोगों को दर्शन प्राप्त हो सकते हैं बिना टोकन के। आज ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि एकादशी का आज पहला दिन है और वृंदावन में एकादशी की परिक्रमा लगनी चालू हो जाती है, इसलिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे भक्तों की भीड़ में से ज़्यादातर भक्त महाराज जी के दर्शन करने वाले भी हैं, लेकिन इसमें ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो परिक्रमा लगाने आए हैं, उनका सौभाग्य है कि आज वो महाराज जी के दर्शन कर पाएंगे, वैसे इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं होती है। दर्शन करने की कुछ जरूरी सूचना अनाउंस हो रही है। सभी दर्शनार्थियों से निवेदन एवं प्रार्थना है, अगर फूल हो तो कृपया करके आप लोग फूलों को भी डाल दीजिएगा, पूरी मां जी की गाड़ी को करा लो फूलों को ना बोलते। आइए अब मैं आपको महाराज जी के आश्रम की तरफ लेकर के चलता हूं और टोकन लेने की पूरी विधि भी आपको बताऊंगा कैसे महाराज जी का टोकन आप ले सकते हैं। देख सकते हैं आप सत्संग चल रहा है और सत्संग कार्यक्रम में वही लोग ये बैठे हुए हैं जिनके पास टोकन नहीं है, मतलब बिना टोकन वालों को भी कई बार अनुमति मिल जाती है और ऐसे बाहर सत्संग स्थल में बैठ कर के सत्संग आप सुन सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं अंदर जाकर के आपको सत्संग सुनने की अनुमति मिले तो आपको उस सबसे पहले टोकन लेना है। टोकन लेने का जो समय है वो पहले 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक हुआ करता था, लेकिन अभी ये समय बदल गया है, अब जो टोकन मिलता है वो 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक टोकन मिलते हैं। इसलिए यदि आप सत्संग के टोकन लेना चाहते हैं, एकांतिक वार्तालाप के टोकन लेना चाहते हैं, तो 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक यहाँ पर आकर के अपनी टोकन प्राप्त कर लें। फिलहाल 21 तारीख तक भीड़ ज़्यादा होने की आशंका है, इसलिए टोकन बंद किए जा रहे हैं।
लेकिन फिर भी अगर आपका सौभाग्य हुआ तो आपको टोकन मिल भी सकता है, क्योंकि सत्संग कार्यक्रम चलता रहेगा। महाराज जी के शिष्य लोगों ने बताया कि टोकन मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, भीड़ के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप लेना चाहते हैं तो समय पर आकर के आप यहाँ पर अपना टोकन बुक कर सकते हैं। अब मैं आ गया हूँ सत्संग स्थल से बाहर वापस परिक्रमा मार्ग में, और मैं आप सभी लोगों को महाराज जी के दर्शन कराऊंगा, क्योंकि महाराज जी का आने का वक्त हो चुका है। सत्संग कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद में 9 बजे महाराज जी बाहर निकल के आते हैं और यहाँ पर आप उनके दर्शन कर सकते हैं। गाय जी, आप देख सकते हैं डोरी का पूरी तरीके से वैसे ही प्रबंध किया गया है ताकि भीड़ वापस जमा ना हो और महाराज जी को परेशानी तकलीफ ना हो, इसलिए सभी रास्ते में डोरी लगा दी गई हैं। और आप देख सकते हैं ये परिक्रमा मार्ग है और महाराज जी के जो शिष्य लोग हैं वो पूरी तरीके से व्यवस्था में जुटे हुए हैं। तो महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में महाराज जी आ रहे हैं और आप देख सकते हैं भक्त दोनों तरफ लाइनों में खड़े हुए हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए, और महाराज जी अभी गाड़ी से आएंगे, दर्शन देंगे। महाराज जी की गाड़ी आने से पहले पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा यहाँ पर रहती है और प्रशासन की भी गाड़ी सबसे पहले आती है, उसके बाद में महाराज जी की गाड़ी अभी आएगी, आप देख सकते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई बाधा समस्या ना बने। पुलिस प्रशासन की पूरी सुरक्षा है यहाँ पर ताकि किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना बने, जबकि दर्शनार्थी लोगों को अभी सत्संग के बाद में दर्शन करने के लिए पूरी परमिशन नहीं है। लेकिन फिर भी महाराज जी के नाम के लोग इतने बड़े दीवाने हैं, इतने दिल से महाराज जी को मानते हैं कि हज़ारों की तादाद में भक्त यहाँ पर आकर के खड़े हो जाते हैं। और ये महाराज जी की वही गाड़ी है जिस गाड़ी से महाराज जी दर्शन देते हैं, आप सभी साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों ने महाराज जी के दर्शन किए हैं और ये महाराज जी के दर्शन का जो समय है मैंने आपको बता दिया है, सुबह 9 बजे महाराज जी के दर्शन होते हैं। सत्संग कार्यक्रम सुबह के करीब 3 बजे से शुरुआत होता है, इसलिए जो पहले 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक पदयात्रा में दर्शन देते थे, अभी बहुत दर्शन बंद है, डायरेक्ट महाराज जी सत्संग सुनाते हैं, जिनके पास में टोकन होता है उनको बैठने का मौका मिलता है, और उसके बाद में पदयात्रा में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह के 9 बजे आप यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अभी आप ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोग ना आएँ, क्योंकि यहाँ पर भीड़ की अनुमति ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज जी दर्शन देने की कोशिश करते हैं ताकि भक्त निराश होकर के यहाँ से ना जाएं। यदि अभी भी आपका कोई सवाल रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करें और भी भक्तों तक हमारे इस वीडियो को ज़रूर साझा करें, ताकि वो भक्त जो बेचारे हताश होकर घर बैठे हैं, महाराज जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं, वो सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से महाराज जी के साक्षात दर्शन करें और दर्शन के बाद में उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए, और जुड़े रहिए हमारे चैनल से लगातार। सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। और हाँ, वृंदावन में एकादशी की परिक्रमा चालू हो चुकी है, तो आप सभी भक्त जो वृंदावन की परिक्रमा लगाना चाहते हैं परिक्रमा लगाने के लिए आ सकते हैं, ये परिक्रमा आज से शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर परिक्रमा भी लगा रहे हैं।